आरडी शर्मा पेपर नंबर टू क्वेश्चन नंबर 31 का, और प्रीवियस वीडियो में हमने 31 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था और ये काफी लंबा है. प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा. वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है 8.4 का. क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर फाइव का नंबर थ्री. अब देखो हम लोग यहां से एलएचएस से लेते हैं. टेन इज व्हाट? साइन अपॉन कॉस. बराबर देखते जाना, वन माइनस कॉस अपॉन साइन. कॉट इज व्हाट? कॉस अपॉन साइन. बिलो दैट वन माइनस साइन अपॉन कॉस. ये मेरे दो तीन वीडियो में आगे गया ये सब है, पर ये बार बार मैं करवा रहा हूं. ईच एंड एवरी टाइम यू विल सी विल गेट इट. साइन अपॉन कॉस, नीचे एलसीएम लेते हैं, वन के नीचे कुछ नहीं है, तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन है, राइट? और यहां पे कॉस अपॉन साइन तो है, बट इन डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो वन के नीचे कुछ नहीं है. एलसीएम लेंगे तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस. अब अगर देखेंगे तो ये न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर है वो नीचे आएगा और डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर ऊपर आएगा. इसके लिए मैं आपको ऐसा यहां पे कॉन्सेप्ट बता दूं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. जिनको समझ में नहीं आए, लॉजिकल बात है. तो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी का मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन सी. तो अगर आप देखेंगे कि डी जो है, डी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और बी आपका डिनोमिनेटर में रहा और सी भी आपका डिनोमिनेटर में रहा. तो ये साइन इंटू साइन, राइट, साइन स्क्वायर हुआ. देखो ऊपर ये ए और ये नीचे आपका डी साइन स्क्वायर, और कॉस नीचे कंपनी देगा किसको? साइन माइनस कॉस को. सेम एज ओवर हियर, यहां प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और नीचे अगर आप लोग देखो तो साइन थीटा, राइट, ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन. तो यहां पे एक पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं और जो मेन समझना है कि यहां कॉस है साइन है, पर ये कॉमन होना चाहिए साइन माइनस कॉस. यहां पे भी अगर कॉस माइनस साइन है उसको अगर साइन माइनस कॉस कर दे तो बहुत इजी रहेगा. तो लेफ्ट वाले साइड पे मैं कुछ भी नहीं करता हूं और ऐसे ही रहने देता हूं कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस. पर यहां देखो खास, ये कॉस स्क्वायर एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माइनस की साइन कॉमन लेता हूं, माइनस, राइट, माइनस की साइन कॉमन ली तो ये साइन बाहर और कॉस अंदर. अगर आप एक्सपांड करें तो साइन कॉस पॉजिटिव, माइनस साइन माइनस कॉस पॉजिटिव, साइन साइन नेगेटिव, साइन साइन नेगेटिव. अब देखो ये प्लस और ये माइनस, राइट. अगर आपको ऐसा है कि प्लस ए अपॉन माइनस बी तो हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस ए अपॉन बी लिखते हैं. वैसे प्लस माइनस साइन क्या हो गई आपकी? माइनस ए बी. वैसे सेम टू सेम अगर यहां पे आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर नीचे कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, और अब ये मेन स्टेप है प्लस और ये माइनस, तो साइन हो गई, राइट, बाहर की माइनस, और नीचे माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये साइन निकल गई और यहां पे आ गई बीच में. यहां पे नीचे हुआ आपका साइन साइन माइनस कॉस थीटा. अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो और एक स्टेप में नीचे ले लूं, पूरा एलसीएम लेंगे तो कॉस, ये साइन और ये आपका साइन माइनस कॉस, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन क्यूब, क्योंकि इसके पास साइन नहीं है, इसके पास कॉस नहीं है, तो माइनस कॉस क्यूब. एंड नाउ वी विल स्विच ओवर ऑन दिस साइड. आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर आते होंगे,
राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या है, तो कि ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम ऐसा करें तो साइन क्यूब मतलब क्या है, साइन माइनस कॉस दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस बराबर और प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन माइनस कॉस है बराबर। ये साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस कॉस एज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कैंसल। अब देखो साइन स्क्वायर साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा साइन थीटा कॉस थीटा पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हुआ वन, और नीचे आपका क्या है कॉस साइन। अब जब भी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा प्लस हो आप इंडिविजुअल डिविजन कर सकते हो, तो इंडिविजुअल डिविजन करेंगे तो साइन कॉस अपॉन साइन कॉस या तो कॉस साइन डजेंट मैटर प्लस वन अपॉन कॉस साइन या तो साइन कॉस, दिस इज गेटिंग कैंसल टू वन। कॉस का इनवर्स सेक थीटा और साथ में मल्टीप्लीकेशन ही है, साइन का इनवर्स कॉस एक थीटा, तो आपका आंसर आ गया राइट साइड का वन प्लस सेक इंटू कॉस एक दैट इज योर आर एच एस एंड दिस इज टॉप क्लास सम। ये मेरा परहैप्स फोर्थ वीडियो होगा जिसमें ये सम आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। इफ टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ए बी ट्रिगोनोमेट्री का है एंड कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा इक्वल टू वाई, प्रूव दैट 2x square plus y square minus 2xy equal to 5। ये प्रूव करना है। अच्छा सम है राइट। नाउ लेट अस सी, यहां पे 2x square लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2x square प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो ध्यान से देखना 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब के 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, कहां से आया तो के x की वैल्यू x के बदले ये स्क्वायर कर दिया, प्लस y तो के कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक x है तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब एक्सपांड करो एंड गेट द वैल्यू राइट, a माइनस b द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 टू सा 4 cos थीटा साइन थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज यहां पे राइट सिर्फ वाई है आगे कुछ कोफिशियंट नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टू जा 6 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस 2 2 और कॉस माइनस माइनस 2 टू जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टू जा 4 3 जा 12 बट माइनस माइनस प्लस 12 कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आया तो आप इस बताओ 2 कॉस का कॉस के साथ एक्सपांशन हो गया कितना आया 4 कॉस स्क्वायर, यही 2 कॉस का 3 के साथ करो तो 3 टू जा 6 टू जा 12 बट 2 माइनस है तो प्लस दैट्स व्हाई कॉस साइन, माइनस माइनस प्लस बराबर पहले प्लस 2 साइन कॉस मतलब कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अल्टीमेटली 1 2 एंड 3 माइनस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा राइट, पूरा एक्सपांशन हो गया
अब जरा ध्यान से देखते हैं, 2 इंटू 4 8 कॉस स्क्वायर माइनस 8 कॉस साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा राइट प्लस सॉरी माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपली यहां से सभी टर्म का 9 साइन स्क्वायर के बाद 4 आपने देखा, फिर 12, फिर 2 और माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 8 एंड 6, 8 एंड 6 14, 12 एंड 2 14, मतलब ये और ये। ध्यान से देखो, 8 एंड 6 14, 12 एंड 2 14। अब 8 cos स्क्वायर और 1 9 cos स्क्वायर, 9 में से 4 गया तो कितना cos स्क्वायर, 5 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का सब हो गया। साइन देखो, 2 एंड 9 11, 11 माइनस 6 प्लस 5 साइन स्क्वायर, व्हाट इज कॉमन, ओके 5 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एज यू आर नोइंग cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 1, सो योर आंसर इज 5, दैट इज योर RHS एंड हेंस प्रूफ, राइट, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 33 ग्राफिकल है, पिछले पेपर में भी मैंने नहीं किया था। चेक ग्राफिकल वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 दे आर कंसिस्टेंट और नॉट, बराबर ग्राफिकली चेक करना है। ऑल्सो फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। अब कंसिस्टेंट होगा तो ही ग्राफ बनेगा और तो ही ट्राइंगल बनेगा, राइट। तो हम लोग यहां से टेबल बनाते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 4x, सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखो तो अच्छा है, y नेगेटिव से पॉजिटिव तो 4x नेगेटिव से पॉजिटिव और 8 पॉजिटिव से नेगेटिव, और अब इसका टेबल बना के तैयार, राइट। x एंड y की वैल्यू, ऐसा तो आपको टेबल बनाना तो आता ही होगा। इफ वी टेक 2 इट विल बी 0, इफ वी टेक 3 3 4 इज 12 माइनस 8 4, इफ वी टेक 0 इट विल बी माइनस 8, बट अगर 1 लेते हैं 1 तो 4 इंटू 1 4 माइनस 8 माइनस 4। चलो अभी तो इतना रखते हैं, इसको देखो ये इक्वेशन वाले को, माइनस 3y माइनस 2x माइनस 6, सभी माइनस है सभी को प्लस कर दे, 3y इक्वल टू 2x प्लस 6 एंड अल्टीमेटली y इक्वल टू 2x प्लस 6 बाई 3। और अब हम लोग इसका भी टेबुलर फॉर्म बना देते हैं, बाद में ग्राफ प्लॉट करते हैं, x y 1 2 3 4, तीन वैल्यू भी आ गई बहुत है। 0 ले लेते हैं x तो 6 बाई 3 2 बराबर, अगर 2 लेते हैं तो 2 टू 4 3 लेते हैं, 3 टू 6 एंड 6 12, 12 बाई 3 4, आपको आंसर दिख रहा है 3 बाई 4 बराबर। अगर हम लोग 4 लेते हैं 5 लेते हैं 6 लेते हैं, 6 टू 12 12 एंड 6 6 लेते हैं, 6 टू 12 12 प्लस 6 18 बाई 3 6 बराबर। आपकी तीन तीन वैल्यू काफी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ, जरा ध्यान से देखना। ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन 1 2 3 4 5, यहां पे ले लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5
और 6, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 हो गया, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड माइनस 4, चलो फाइन, 2 0, 2 0, 3 4 प्लॉटिंग कर रहे हैं पहले वाला, एंड 1 एंड माइनस 4, ये ग्राफ किसका हुआ, यहां पे लिखना पड़ेगा वाई इक्वल टू 4x-8 का, इसका चेक करो 0.2 तो के यहां पे, 3.4 तो के यहां पे, एंड 6.6, ये 6 यहां है, इसको एक प्लॉट कर देते हैं बराबर, ये आपका बन गया। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो, तो कंसिस्टेंट है तो कि यस कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है आपका, यूनिक सॉल्यूशन, और उस यूनिक सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई आपका 3.4 है। इसके अलावा कुछ पूछा है तो कि फाइंड वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस, दिस लाइन, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी टच करती है ऐसे, राइट, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो देखो ये ट्रायंगल हुआ। अब ये आपका जो ट्रायंगल हुआ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 3.4, इसका कोऑर्डिनेट 2.3 बराबर, सॉरी 2.0, और ये यहां पे टच किया तो आई थिंक 0.-6, तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जब इंटरसेक्ट की एक्स एक्सिस के साथ और जो ट्रायंगल बना बराबर, आपका ये भी एक बनता है, और हम लोग सीधा ये एक्स एक्सिस और ये लाइन कहां कहां इंटरसेक्ट करती है वो देखना पड़ेगा, तो ये आपका ऐसा ट्रायंगल बना ऑब्ट्यूस किस्म का, राइट। ये आपका ग्राफिकल क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट, दिस ग्राफिकल क्वेश्चन इज ओवर। इसका लास्ट क्वेश्चन है 34, फॉलोइंग टेबल शोज द एज इज 100, एज इन द फॉर्म ऑफ क्लास 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, नंबर ऑफ पर्सन 5, 15, 20, 23, 17, 11 और 9, इन लोगों ने ऐसा बोला है रिप्रेजेंट द अबव एज द लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ एन ओजाई ओजीव दैट इज लेस देन टाइप बराबर। तो देखो लेस देन टाइप जब भी ड्रॉ करते हैं जरा ध्यान से देखना, लेस देन टाइप तो हमको अपर लिमिट लेनी पड़ती है, तो लेस देन 10 तब आपका सीएफ क्या होगा, पहला आएगा 5, देखते जाना, लेस देन 20 तब इसमें आप ये एड करेंगे 5+15 20, लेस देन 30 20 में ये 20 एड करेंगे तो 40 सीएफ, लेस देन 40 तब आप 40 में कितना एड करेंगे 23 तो 63, लेस देन 50 63 में क्या ऐड करेंगे 17 तो आपका हो गया 80, लेस देन 60 में 80 में क्या 11 ऐड करेंगे तो 91, एंड लेस देन 70 91 में ऐड करेंगे तो आपका टोटल सीएफ आ गया 100। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस देन टाइप का ग्राफ प्लॉट करना है, लेस देन टाइप का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो
जरा ध्यान से देखना, यहां पे वाई एक्सिस पे सीएफ आता है और एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट आती है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो यहां पे कहां तक है, तो के 100 तक है सीएफ, तो हम लोग 10-10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड लास्ट में 100। और जीव ड्रॉ करना है यहां पे, देखो ये 5 कहां पे, लेस देन 10 में 5 है, 5। 20 में कितना है, तो के 20 ही है, बराबर ध्यान से प्लॉट करने का। 30 में क्या है, 40 है, 40। 40 में क्या है, 63 है, 63। 50 में क्या है, 80 है, 50 में 80 है। 60 में क्या है, 91 है। और 70 में क्या है, 100 है। तो अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपका कैसा आया, लेस देन टाइप, लाइक दैट। ये लेस देन टाइप ऑजीव ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, बट अगर यहां से हम लोगों को मीडियन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे पता है, 100/2। एक खास याद रखना, अगर गलती से पूछ ले तो 50, आपका n बाय टू, राइट, 50। 50 कहां पे है, तो यहां से ऐसा 50 से ड्रॉ करो, और जहां जैसे ही आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अराउंड 35 और 36, राइट, आपका आंसर आएगा, राइट। रीजन मेरा स्केल पेंसिल से नहीं किया हुआ है, पर ये आपका अराउंड 35 उस 36 आपका मीडियन आ जाएगा अगर पूछा है तो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर वन का कुछ 33-34 रह गया था, वो देख लेते हैं। 33 पेपर वन का, यहां पे ड्रॉ 2x-y = 1 एंड x+2y = 13। इसका पहले फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन फ्रॉम ग्राफ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, दो क्वेश्चन है, सेट द ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस। चलो बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले 2x-y है तो -y = 1 -2x, सो y = 2x-1। ध्यान से देख लो, तीन वैल्यू काफी है, x, y एंड 1। 0 लेते हैं तो -1, 2 लेते हैं तो 3, 2 2 = 4 -1, 3 लेते हैं तो 3 2 = 6 -1 = 5, हो गया है इतना। तो दूसरा इक्वेशन देखो, 2y = 13 - x, मतलब के y = 13 - x/2। इसका भी देख लो, 1, 2 एंड 3 वैल्यू ले लेते हैं इसकी भी। अगर हम लोग यहां पे 3 लेते हैं तो 13 - 3 = 10/2 = 5, क्लियर सॉल्यूशन दिखा। दूसरा अगर 5 लेते हैं, 13 - 5 = 8, 8/2 = 4 होता है। 13 - 7 ले लेते हैं तो 6/2 = 3 हो जाता है, राइट। 13 - 7 आपके सभी वैल्यू आ गए हैं, तो प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ, राइट।
ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये आपका वाई वाई डैश, ये आपका एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ये जीरो जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स काफी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां पे भी सेवन है भाई, सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बहुत है, माइनस वन माइनस टू, वी कुड हैव प्लान बेटर वे, इस तरफ कर देते तो चलता, ओके जीरो माइनस वन तो यहां पे आया, टू थ्री यहां पे आया, एंड थ्री फाइव, एक लाइन खींचो, ये किसकी लाइन है तो कि पहले वाले की y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन की लाइन है। अब देखो थ्री फाइव तो कि ये रहा थ्री फाइव, फाइव फोर और सेवन थ्री, एक लाइन ऐसे जाती है देखो, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू थर्टीन माइनस एक्स बाई टू। इससे पता चलता है कि सॉल्यूशन क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन x कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू थ्री कॉमा फाइव, और ये ट्रायंगल जो बना अगर आप लोग ध्यान से देखो तो राइट ऐसा, तो ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को मिला तो कौन सा है, तो के ये ए बी और ये सी ले लेते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी का वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट बना ए आपका थ्री कॉमा फाइव, बी आपका राइट यहां बी है जीरो कॉमा सेवन, और सी आपका जीरो कॉमा माइनस वन। दस आओ ये आपका 33 नंबर का ग्राफ बन गया, राइट दैट वाज गुड इनफ टू सी। और यहां पे उसने ट्रायंगुलर रीजन पूछा है, तो ये आपका सेडेड पोर्शन, सेडेड पोर्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेड द ट्रायंगुलर रीजन बाय लाइन एंड एक्सिस, और हमने दो कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। दस आओ आपका पिछले पेपर का एक क्वेश्चन बाकी था 33, अब लास्ट क्वेश्चन टुडे 34, राइट तो वो हम लोग देखने वाले हैं 34। लास्ट क्वेश्चन 34 स्टेटिस्टिक का, वो भी ग्राफ का है जो हमने छोड़ा था, इसको ले लेते हैं क्लास। प्रोड्यूस यील्ड केजी पर हेक्टर 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 and 75 to 80। सामने नंबर 2, 8, 12, 24, 38 and 16। चेंज द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप एंड ड्रॉ इज ओजाइव, मोर देन टाइप एंड ड्रॉ इज ओजीव, 8 into 10 and 12, 16 and 24 and 6, 4 and 5 and 3, 8 and 2 and 10, 14। अब पहले इसका क्लास बनाते हैं, राइट तो मोर देन टाइप, जरा ध्यान से देखना, मोर देन टाइप में लोअर वैल्यू लेते हैं 50 के मोर देन 50 तो सभी आ जाएंगे, देखो 50 से मोर ईच एंड एवरी वन, राइट तो यहां सीएफ लेंगे 100, सीएफ कौन सा लेंगे 100, मोर देन 55 तो मोर देन 55 में 100 में से क्या करेंगे, 55 तक का माइनस करेंगे, तो 100 में से 2 माइनस करो तो 98, मोर देन 60 98 में से 8 माइनस करो तो आपका कितना आया 90, मोर देन 65 90 में से 12 माइनस करो तो कितना आया 78,
मोर देन 70, 78 में से आप 24 माइनस करो तो 54, मोर देन 75, मोर देन 75 मतलब कि इसमें से 38 माइनस करो तो आ गया आपका 16, 16 और 16 ऐसे मैच हो गया, अगर आप मोर देन 80 करोगे तो 16 माइनस 16 मतलब जीरो हो जाएगा, लास्ट लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग प्लॉट करते हैं, तो प्लॉटिंग खास देखना बच्चों, प्लॉटिंग ये आपका एक्स एक्सिस, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहां पे फिक्स है सीएफ, वो एमसीक्यू में भी पूछते हैं वाई वाई डैश। चलो प्लॉटिंग करते हैं 50 से 80 तक, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। यहां पे 100 तक है तो 10 10 का बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मोर देन 50 100 है मतलब कि यहां पे आएगा, मोर देन 55 98 है तो यहां पे आएगा, 90 है 60 के पास 90 और पास पास आएगा, देन मोर देन 65 कहां पे आया 78, 54 70 के पास 54, अब देखो दूर दूर, और 75 के पास सीधा उठ के 16 और 80 पे तो जीरो आ जाता है। ये आपका मोर देन टाइप का ग्राफ है। अगर यहां से भी आपको मीडियन फाइंड करना है, ग्राफ आ गया, क्वेश्चन इज ओवर, तो n बाय 2, 100 बाय 2 50, चेक करो 50 से यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और यहां से सीधा परपेंडिकुलर बनाओ तो आपका 72, 73 जितना मीडियन आएगा, 72 और 73। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, राइट? हेंस इफ यू लाइक दिस ऑल आर डी शर्मा पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, राइट, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।